हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीज लिटिल किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक टिक्का रेसिपी शेयर करूंगी, वो है पनीर टिक्का। तो पनीर टिक्का बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए और घर पे आसानी से कैसे बन पाएगा, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं आज का रेसिपी। पनीर टिक्का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बर्तन ली हूँ। पहले हम पनीर टिक्का का बटर रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कर्ड ली हूँ, उसमें मैं अभी ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून आपका जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 2 से 3 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल, और अच्छे से इसको हमको मिक्स करना है। इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करें जैसे कि एक बबल भी ना रहे। तो ये देखिए मिक्सचर ऑलरेडी रेडी है। अभी मैं इसमें 2 टेबलस्पून नींबू का रस ऐड करूंगी और अच्छे से इसको मिक्स करूंगी। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी क्यूब साइज का कटा हुआ प्याज, टमाटर और कैप्सिकम। आप जितना चाहते हैं उतना ही ऐड कीजिए। और अभी ये बटर के साथ ये सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स करके रख दूंगी। तो ये देखिए बटर अच्छे से मिक्स हो चुका है वेजिटेबल के साथ। अभी मैं ये कटा हुआ पनीर को ऐड करूंगी। आपको पनीर थोड़ा सा थिक कट करके रखना है। ये मैंने शॉप से ख़रीदा था। और अच्छे से इसको अभी मैं ये वेजिटेबल्स और ये बटर के साथ अच्छे से धीरे धीरे करके मिक्स करूँगी, नहीं तो ये पनीर टूट भी सकता है। तो अभी ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी मैं इसको 1 आवर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी और 1 आवर के बाद हम इसका टिक्का बनाएंगे। तो 1 आवर हो चुका है, मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया। अभी हम इसका टिक्का बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ टिक्का बनाने के लिए हमको क्या करना है। यहाँ पे मैंने कुछ स्टिक ली हूँ। अभी मैं ये स्टिक में एक पनीर, कैप्सिकम, प्याज, टमाटर एक एक करके डालूँगी। ये छोटा सा स्टिक है इसलिए मैं 2 पनीर और 2 कैप्सिकम, प्याज, टमाटर इसमें एक एक करके डाल लूँगी। आप लोग अच्छे से देख लीजिए मैं कैसे इसको स्टिक के अंदर डाल रही हूँ। पनीर को थोड़ा सा मोटा ही थिक रखना है, ज़्यादा पतला करने से ये टूट भी सकता है। तो ऐसे करके मैं पहले सारे पनीर को ऐसे स्टिक में डाल लेती हूँ। तो देखिए मेरा 4 पनीर का स्टिक ऑलरेडी रेडी है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही गैस के ऊपर तवा को बिठा दिया और थोड़ा सा रिफाइन ऑयल भी डाल दिया और एक एक स्टिक करके मैं इसमें डाल लूँगी और धीरे धीरे इसको फ्राई करूँगी। तो अभी 2-3 मिनट हो चुका है। अभी मैं इसको दूसरी साइड पे फोल्ड करके रख दूंगी। ज़्यादा इसको फ्राई एक साइड पर नहीं करना है क्योंकि ये ख़राब भी हो सकता है और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो देखिए ऐसे करके मुझे चारों तरफ से इसको अच्छे से धीरे धीरे करके धीमी आंच पे फ्राई करना है और उसके बाद हमारा ये पनीर टिक्का रेडी हो जाएगा। तो ये रेसिपी आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और ये खाने में बहुत ही यम्मी बनता है। और ये देखिए हमारा टिक्का ऑलरेडी रेडी हो चुका है। अभी मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। इसके साथ आप ग्रीन पुदीना का चटनी और प्याज के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही यम्मी बनता है। ये पनीर टिक्का रेसिपी आप लोग प्लीज़ घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसा लगा। और ये बहुत ही यम्मी बनेगा। आप इसको रोटी, दाल, चावल, जीरा राइस कुछ भी किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक न्यू रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और एक लाइक कमेंट भी कर दीजिए।
और राइट साइड पर जो बेल बटन है उसका दबा दीजिए, क्योंकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी वो पहले आपके पास पहुँच जाए। तो आज के लिए टाटा, फिर मिलेंगे और एक न्यू रेसिपी के साथ।